लोकतंत्र में शेर आदमखोर हो गया है। अच्छा राहुल गांधी की बात कर रहे हैं चूहे की, है बिल में छुपा हुआ है, बता रहे हैं मत बोलो यार, काहे को यार नहीं हूं मैं, अच्छा राहुल गांधी होगा मदद है भाई, अभी मदद है अभी चलिए। अरे भाई आदरणीय गौरव भाटिया जी, जो आप भ्रष्टाचारियों के, अब जो भ्रष्टाचारियों के केस लड़ा करते थे कथित रूप से, आज जिनको कह रहे हैं, मैं उस गौरव भाटिया से कह रहा हूँ जो वो और उनके पिताजी अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव का केस लड़ते लड़ते कहाँ चले गए पता नहीं है, आज क्या बात करेंगे आप लोग। गजब बेइज्जती है, मैं केवल इतना बोलूंगा पिताजी ने राजीव गांधी की तरफ देश को नहीं बेचा मेरे पिताजी ने, अरे क्या क्या बेचा है मुझे घर में नरेंद्र मोदी जी के साथ करा, आपने जवाब दे ठीक है गौरव जी प्लीज, 4 साल पहले क्या करते थे सब छोड़िए, चलिए किसी के पिता स्वर्गीय हैं आप यहाँ पे टिप्पणी कर रहे हैं, अमूल मक्खन लगाने के लिए 11 रुपए की दिहाड़ी लेने के लिए शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आ रही है हमको, मिल जाता अभी आपके पिताजी के बारे में बोलूंगा क्योंकि मेरे संस्कार जली ना तेरी भी जली ना। राजनीति में अगर बोलने पर सजा होने लगेंगी तो लोकतंत्र का अर्थ क्या रह जाएगा, चुनाव का अर्थ क्या रह जाएगा, चुनाव में तो लोग क्या क्या बोलते हैं अभी आपने देखा, मुश्किल से 2 मिनट बोले होंगे, अरे कहना क्या चाहते हो, 2 मिनट में धमकी भी दी, घमंड की बात भी कह दी, उपहास भी उड़ा दिया, झूठ भी बोल दिया और रोने भी लगे लास्ट में, पिछड़ों का अपमान हुआ, पिछड़ों का अपमान हुआ, पिछड़ों का अपमान तो उस दिन हुआ था भाई, पिछड़ों का अपमान उस दिन हुआ था जिस दिन योगी आदित्यनाथ ने वो मकान गंगाजल से धुलवाया था जो अखिलेश यादव ने खाली किया था, केवल इसलिए कि एक पिछड़े वर्ग के आदमी ने इसमें रहे थे उसे गंगाजल से धुलवाया गया। लानत है तुम लोग पे लानत। ये वो राहुल गांधी है जिनका अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखें तो ये अभियुक्त हैं भ्रष्टाचार के केस में, नेशनल हेराल्ड केस में, ये झूठे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, चौकीदार चोर है बोल के माफी मांगी और अब ये दोषी भी है। तो आपने मेरे दिल की बात बता दी, ऐसे व्यक्ति को अगर न्यायालय सजा देती है मैं समझता हूँ ये दिखाता है हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत है। आपको 2 साल की सजा हुई यानी आपकी सदस्यता रद्द, तो ये तो होना ही होना था, इसमें सरकार क्या कर रही है, सरकार ने क्या किया है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कलम वाली भाई वाह। अंजना जी वो कहते हैं ना कि अभी चुप हूं रहूंगा, चुप हमेशा हो नहीं सकता, और हमारा यार भी वाकिफ है ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे और उसके बदरमिया एक जंग जारी है, वो सजदा चाहता है हमसे सजदा हो नहीं सकता, मगर क्यों मेरी मर्जी, झुक नहीं रहे थे इसलिए उनके ऊपर इस तरीके के गलत तथ्यहीन आरोप लगा करके उनको सजा दिलाने का काम इस पूरे तंत्र ने किया। उन्होंने मेहुल चोकसी का नाम लिया, नीरव मोदी का नाम लिया, ललित मोदी का नाम लिया, क्या ये लोग भगोड़े नहीं है? उसके बाद क्या कहा था सर? उन्होंने बीच में ना बोल, पर ये बात है, अरे सर क्या बात है, तो उसने कोई गुस्सा कि क्या उन्होंने क्वेश्चन किया था जैसे ये असल बात, कुछ लोग राजपाल कश्यप टाइप, राजपाल यादव टाइप के लोग आकर के बीच में बोलने लगते हैं, खैर इनकी इच्छा। आगे की लाइन क्या थी? फिर से राजपाल यादव हुए जा रहे हैं। आप